आपके विचार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। अपने विचार को बहुत बुद्धिमानी से चुने। क्वांटम मॉडल जो बताता है कि इस वर्तमान क्षण में सभी संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि यह आपको अपने लिए एक नया भविष्य चुनने और वास्तव में इसे वास्तविकता में देखने की अनुमति देता है। क्या यह विडंबना नहीं है कि हम अपना सारा ध्यान 0.00001% वास्तविकता पर रखते हैं जो भौतिक है? क्या हमें कुछ याद रहा है? एक इंसान होने का विशेषाधिकार यह है कि हम किसी भी चीज की तुलना में किसी विचार को अधिक वास्तविक बना सकते हैं। जब हम अपने अतीत में रह रहे हैं तो क्या हम एक नया भविष्य नहीं बना सकते हैं? यह बस असंभव है। अपने भविष्य के सपने को बनाए रखते हुए वर्तमान क्षण में समय के साथ खुश रहना मैनिफेस्ट करने का एक भव्य नुस्खा है। जब आप ध्यान करते हैं और किसी बड़ी चीज से जुड़ते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं के बीच ऐसा सामंजस्य बना सकते हैं और याद कर सकते हैं कि आपकी बाहरी वास्तविकता में कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्थान या समय पर कोई स्थित नहीं, आपको उस स्तर से आगे नहीं बढ़ा सकती ऊर्जा। जहां आप अपना ध्यान लगाते हैं वहीं आप अपनी ऊर्जा लगाते हैं। जब आप अपना ध्यान या अपनी जागरूकता या अपने दिमाग को संभावना पर लगा देते हैं तो आप अपनी ऊर्जा भी वहीं लगाते हैं। मानसिक पूर्वाभ्यास एक शक्तिशाली तरीका है जिससे आप अपने मस्तिष्क में नए सर्किट को विकसित और ढाल सकते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया में पहले सीखने की आवश्यकता होती है, फिर सीखने की। हम जानते हैं कि एक स्पष्ट इरादा और एक उन्नत भावना जो किसी व्यक्ति के जीव विज्ञान को अतीत में रहने से भविष्य में जीने के लिए बदलना शुरू कर देता है। हमारा ध्यान सब कुछ जीवन में लाता है और वास्तविक बनाता है जो पहले किसी का ध्यान नहीं था या असत्य था। जैसे विचार मस्तिष्क की भाषा होते हैं, वैसे ही भावनाएं शरीर की भाषा होती है। और आप कैसे सोचते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं होने की स्थिति बनाते हैं। होने की एक अवस्था तब होती है जब आपका मन और शरीर एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपके होने की वर्तमान स्थिति ही आपका वास्तविक मन शरीर संबंध है। अपना जीवन बदलने के लिए वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अपनी मान्यता बदलें। हम आमतौर पर चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जब वे पहले ही हो चुके होते हैं, तो एक मायने में हमें सम्मोहित कर दिया गया है और यह विश्वास करने के लिए वातानुकूलित किया गया है। हमें आनंद के लिए एक कारण की आवश्यकता है कि हमें कृतज्ञता के लिए एक कारण की आवश्यकता है। कई माइंड मूवी बनाने पर विचार करें, एक आपके स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, एक उदाहरण के लिए और दूसरी रोमांस रिश्तों के लिए और एक धन के लिए। ध्यान हमें अस्तित्व से सर्जन की ओर ले जाता है, अलगाव से संबंध तक, असंतुलन से संतुलन की ओर, आपातकालीन मोड से विकास और मरम्मत मोड तक, और भय, क्रोध और उदासी की सीमित भावनाओं से आनंद, स्वतंत्रता की विस्तृत भावनाओं तक ले जाता है, और प्यार। हम अपने बारे में विश्वास करने के लिए अनुकूल हैं, वातानुकूलित हैं, और हमें यह सोचने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यह हमारे प्रदर्शन को प्रभावित करता है जिससे इस बात पर असर पड़ता है कि हम कितने सफल हैं। हम क्वांटम क्षेत्र में हर चीज से जुड़े हुए हैं। जब आप अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट केंद्रित विचार रखते हैं, अपने भावनात्मक जुड़ाव के साथ आप एक मजबूत विद्युत चुंबकीय संकेत प्रसारित करते हैं जो आपको एक संभावित वास्तविकता की ओर खींचता है
जो आप चाहते हैं। आप कोई पर्यावरण से स्वतंत्र सपना देखते हैं तो वह महानता है। सबसे पहले हर दिन मैं अपना सारा ध्यान अपने भीतर की इस बुद्धि पर लगाऊंगा और इसे एक योजना, एक खाका, एक दृष्टि, बहुत विशिष्ट आदेशों के साथ दूंगा और फिर मैं अपनी चिकित्सा को इस महान मन को सौंप दूंगा जिसमें असीमित शक्ति है। यह मेरे लिए हीलिंग करने की अनुमति देता है। और दूसरा, मैं अपनी जागरूकता से किसी भी विचार को फिसलने नहीं दूंगा जिसे मैं अनुभव नहीं करना चाहता था। जब आप अपनी पिछली यादों को सोचते हैं तो आप केवल पिछले अनुभव ही बना सकते हैं। अपने जीवन को बदलने का एकमात्र तरीका अपनी ऊर्जा को बदलना है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बदलने के लिए जिसे हम लगातार प्रसारित कर रहे हैं, दूसरे शब्दों में अपने होने की स्थिति को बदलने के लिए हमें अपने सोचने और महसूस करने के तरीके को बदलना होगा। क्वांटम क्षेत्र उस पर प्रतिक्रिया नहीं करता जो हम चाहते हैं, यह प्रतिक्रिया करता है कि हम कौन हैं। वास्तव में बदलने के लिए हमें अपने पर्यावरण से बड़ा सोचना होगा। मिट्टी की तरह अनंत संभावनाओं की ऊर्जा चेतना द्वारा आकार लेती है, ये आपका मन है। ध्यान चेतना अवचेतन मन के बीच का द्वार खोलता है। हम अवचेतन के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रवेश करने के लिए ध्यान करते हैं जहां वे सभी अवांछित आदतें और व्यवहार रहते हैं और हमारे जीवन में हमारा समर्थन करने के लिए उन्हें अधिक उत्पादक मोड में बदलते हैं। बदलाव के बारे में सबसे कठिन बात यह है कि आप पहले वाले दिन वही चुनाव नहीं कर रहे हैं। आपके विचारों के परिणाम इतने महान होते हैं कि वे आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे शरीर और मानसिक दोनों तरह की गंभीर बीमारियों से प्रेरित थे। जिन लोगों का मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने महसूस किया कि नए विचारों को सोचने में उन्हें हर तरह से जाना होगा। एक बदला हुआ इंसान बनने के लिए उन्हें खुद को एक नए जीवन के लिए फिर से सोचना होगा। जिन लोगों ने अपने स्वास्थ्य को सामान्य रूप से बहाल किया है, उन्होंने खुद को फिर से बदलने का एक सचेत निर्णय लेने के बाद ऐसा किया है। अंतरिक्ष और समय की हमारी वर्तमान अवधारणा से परे ऊर्जा का एक अनंत क्षेत्र मौजूद है जो हम सभी को एकजुट करता है। व्यक्तिगत परिवर्तन इच्छा का एक जानबूझकर कार्य करता है और इसका आमतौर पर मतलब है कि कुछ चीजें हमें अलग तरह से करने के लिए असहज कर रही थी। विकसित होना हमारे जीवन में अपने बारे में कुछ बदलकर परिस्थितियों को दूर करना है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप संभावना में विश्वास करते हैं। आपके पास एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। जब आप वास्तव में किसी भविष्य के परिणाम के इरादे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि आप प्रक्रिया के दौरान बाहरी वातावरण की तुलना में आंतरिक विचार को अधिक वास्तविक बना सकते हैं तो मस्तिष्क को दोनों के बीच का अंतर नहीं पता होगा। तब आपका शरीर अवचेतन मन के रूप में वर्तमान क्षण में भविष्य की नई घटना का अनुभव करना शुरू कर देगा। हम वास्तविकता का अनुभव इस आधार पर करते हैं कि हमारा मस्तिष्क कैसे तार तार होता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हम कभी नहीं जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बादल में इलेक्ट्रॉन कहाँ दिखाई देने वाला है, फिर भी कुछ भी नहीं आता है। यही कारण है कि क्वांटम भौतिकी इतनी रोमांचक और अप्रत्याशित है। इलेक्ट्रॉन हमेशा भौतिक पदार्थ नहीं होता है, बल्कि यह ऊर्जा के रूप में या लहर की संभावना के रूप में मौजूद है। यह केवल एक पर्यवेक्षक द्वारा अवलोकन के कार्य के माध्यम से प्रकट होता है। अपने दिमाग को साफ रखो, अगले पल में महारत हासिल करो और आखिरकार तुम खुद में महारत हासिल कर लोगे। थैंक यू गाइज़।